Good morning, everyone. So, the topic uh, next we are going to start is acceleration that is written here. Okay. And before this topic, you have studied about speed and velocity, the types of speed and velocity, and numericals also you have done. And some of the numericals I have sent uh, in home assignment also. So, what you have to do now. यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर न्यूमेरिकल्स आपको न्यूमेरिकल्स की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है न्यूमेरिकल्स पर आपकी कमांड होनी चाहिए और जो कैलकुलेशन है उस पर आपकी कमांड होनी चाहिए क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि न्यूमेरिकल्स सिर्फ एक बार देख के जो या हम समझ रहे हैं उससे हमें समझ में आ जाएंगे सो इट इज़ नॉट सो क्या करना है आपको कि न्यूमेरिकल्स को बार बार प्रैक्टिस करना है और आपके पास अगर एन सी आर टी या जो भी अदर बुक्स हैं उनकी हेल्प लेके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करिए और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है न्यूमेरिकल में किसी भी टॉपिक में दे टू मी ओके तो जितने भी आपके पास न्यूमेरिकल हैं उनको बार बार प्रैक्टिस करिए और जब भी आप नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं तो क्या करना है आपको कि प्रीवियस टॉपिक की बहुत अच्छी सी आपकी तैयारी होनी चाहिए आपको प्रिपरेशन करते रहना है रिवीजन करते रहना है ऐसा ना हो कि नेक्स्ट टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हैं और पुराना वाला जो ओल्ड टॉपिक है वो आपको नहीं आता है तब बहुत प्रॉब्लम होगी आपके लिए इसलिए सारे टॉपिक्स की का रिवीजन करते रहिए टाइम टू टाइम लगभग जो है वो अभी स्टार्टिंग में आपको डेली रिवीजन करना है फिर फाइव डेज टेन डेज के गैप से आपको कंटिन्यू रिवीजन करते रहना है क्योंकि फिज़िक्स जो नाइन्थ की है उसमें टॉपिक्स की डेफिनेशन टॉपिक्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बहुत छोटे हैं बहुत कम एक्सप्लेनेशन है उनका लेकिन न्यूमेरिकल्स बहुत सारे हैं और दूसरी बात न्यूमेरिकल्स के साथ एक प्रॉब्लम ये भी है कि उसमें यूनिट्स का कन्वर्जन भी आता है आपका जैसे किलोमीटर पर आवर मीटर पर, पर सेकेंड टाइम जो है वो मिनट्स में हो सकता है तो ये जो अदर यूनिट्स हैं ऐसा यूनिट के अलावा किसी यूनिट में गिवन है तो उससे आप ऐसा ही में कन्वर्ट कैसे करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए और इनमें किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो वो क्लियर करिए ओके सो और नेक्स्ट टॉपिक इज़ एक्सलरेशन सो ये जो एक्सेलरेशन टॉपिक है आपका इट इज़ नॉट सो कॉमन ये उतना कॉमन नहीं है एक्सेलरेशन जितनी की स्पीड एंड वेलोसिटी अपने स्पीड के बारे में बहुत बहुत सुना था डिस्टेंस के बारे में डिस्टेंस वर्ड भी बहुत ज़्यादा यूज होता है लेकिन एक्सेलरेशन उतना यूज नहीं होता है बट एक्चुअली एक्सेलरेट करना उसका मतलब क्या होता है ग्रामेटिकल मीनिंग क्या है तो एक्सेलरेशन या एक्सेलरेट टू एक्सेलरेट उसका मतलब होता है कि जो स्पीड है उसमें चेंज करना स्पीड में चेंज करना तो ये भी हो सकता है कि स्पीड को इंक्रीज कर दें या स्पीड को डिक्रीज़ कर दें ओके okay? तो ऐसा कहाँ पाया जाता है बहुत जगह आपने देखा होगा कि जैसे कोई रोड ऐसा है जो खाली है प्लेन है उस पर Uh, जो व्हीकल्स चल रहे हैं तो उनकी स्पीड ज़्यादा होती है जो अदर व्हीकल्स हैं उसके पाथ में कम आ रहे हैं स्पीडली मूव करेगा और अगर वही व्हीकल किसी ऐसी जगह पहुँच जाता है जहाँ रोड क्राउडेड है तो वहाँ पर मूव करने में व्हीकल को दिक्कत आती है तो जहाँ पर रोड खाली है वहाँ स्पीड बढ़ जाती है इनक्रीज़ हो जाती है जहाँ पर रोड क्राउडेड है वहाँ स्पीड डिक्रीज़ हो जाती है सो वॉट्स द प्रोसेस कि स्पीड का ये जो चेंज होना है स्पीड कभी इंक्रीज हो रही है और कभी डिक्रीज़ हो रही है टाइम के साथ स्पीड में चेंजेस आ रहे हैं ओके okay? तो स्पीड की जगह हम ज़्यादा प्रॉपर जो वर्ड यूज़ करते हैं वो वेलोसिटी करते हैं क्योंकि स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और उसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता है और वेलोसिटी जो है वो क्या होती है स्पीड विद डायरेक्शन होती है यानी कि अगर हम स्पीड में डायरेक्शन को ऐड कर दें तो वो बन जाएगी वेलोसिटी तो हम यूज़ करते हैं वर्ड वेलोसिटी कि ये जो वेलोसिटी है ना इसका टाइम के साथ चेंज होना कभी घटना कभी बढ़ना दिस फिनोमिना जो है दिस इज़ कॉल्ड दिस क्वान्टिटी इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेट करना मतलब स्पीड का घटना या बढ़ना वेलोसिटी का घटना या बढ़ना अब हर एक चीज़ जो भी चेंज होती है हमेशा वो टाइम के साथ चेंज होती है ओके okay? तो हम इसमें जो प्रॉपर डेफिनेशन बनाएंगे वो होगी द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वेलोसिटी का चेंज होना और किसके साथ चेंज हो रही है वेलोसिटी टाइम के साथ दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इट इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन ओके फिर इसका सिंबल क्या होता है एक्सेलरेशन का सिंबल होता है स्मॉल ए तो मोस्टली आप जितना आगे बढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि सिम्बल्स को याद रखना टफ़ नहीं है क्योंकि जो क्वान्टिटीज़ हैं उन्हीं के फर्स्ट लेटर को सिम्बल बना दिया गया जैसे वेलोसिटी का सिम्बल वी होता है और एक्सलरेशन का सिंबल ए होता है और आगे भी जितने भी सिंबल्स हैं जैसे फोर्स का सिंबल एफ वर्क का सिंबल डब्ल्यू तो इसको याद रखना इजी है तो सिंबल जो है स्मॉल लेटर्स से बनाए गए हैं तो एक्सेलरेशन का सिंबल स्मॉल ए होता है और उसका जो फार्मूला होता है वो आपको एक बार वर्ड्स में भी लिखना है और फिर सिम्बोलिकली लिखना है तो वर्ड्स में फार्मूला लिखेंगे आप एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम को लिख दीजिएगा टाइम टेकन प्रॉपर वर्ड होता है टाइम टेकन मीन्स कितना टाइम लिया गया तो एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन उसके बाद जब आप वर्ड्स में लिखेंगे तो एक्सेलरेशन का सिंबल बना देंगे ए इज़ इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी के लिए मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी जो है वो जब चेंज होती है तो उसका मतलब उसकी दो वैल्यूज़ होंगी एक वेलोसिटी होगी पहले वाली जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट जो है वो पहले 15 किलोमीटर पर आर से चल रहा था बाद में उसकी वेलोसिटी बढ़ गई और ट्वेंटी किलोमीटर पर आर हो गई तो जब कोई चीज़ जब वेलोसिटी में चेंज होता है तो दो नंबर्स होते हैं ना एक पहले वाला और एक बाद वाला तो जो पहले वाला नंबर होता है जैसे मैंने बताया फिफ्टीन किलोमीटर पर आर तो पहले वाला नंबर जो है वो यू से रिप्रजेंट करते हैं और यू इज़ कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी ओके और जो बाद वाला नंबर जो बाद वाला हाँ नंबर है उसको हम एक सिंबल v जो वेलोसिटी का ही सिंबल होता है उससे रिप्रेजेंट करते हैं एंड दैट इज़ कॉल्ड फाइनल वेलोसिटी ओके तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी को हम लिखते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि सपोज दैट अगर वेलोसिटी जो है वो बढ़ रही है इंक्रीज हो रही है जैसे यहाँ था पहले फिफ्टीन थी बाद में ट्वेंटी हो गई तो वेलोसिटी बढ़ रही है ना तो कितना बढ़ रही है ये फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे तो इसीलिए चेंज इन वेलोसिटी के लिए हम ये यूज करते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी तो हमने लिखा है यहाँ वी माइनस यू अपॉन में क्या आ रहा है टाइम टेकन तो अपॉन में लिख दिया टी ठीक है तो आप फार्मूला जो है वो इस तरीके से लिखिएगा आई एम टेलिंग यू हियर वैसे मैंने सब कुछ यहाँ लिख रखा है लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट हो तो राइट इट लाइक दिस इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन ठीक है ये फार्मूला है आपका एक्सेलरेशन का ओके उसके बाद आते हैं एक्सेलरेशन की यूनिट पर यूनिट क्या होती है तो मैंने आपको बताया था कि यूनिट बनती है फॉर्मूले से डेफिनेशन भी फार्मूले से बनती है और यूनिट भी फार्मूले से बनती है तो यहाँ भी डेफिनेशन आप फार्मूले से लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम वही यहाँ पर लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम ओके तो अब देखते हैं यूनिट कैसे बनेगी तो ऊपर न्यूमरेटर में क्या लिखा है वेलोसिटी तो वेलोसिटी की यूनिट आपको पता है क्या होती है मीटर पर सेकेंड अपॉन में क्या लिखा है टाइम टाइम की यूनिट क्या होती है सेकेंड तो सेकेंड दो बार आ रहा है और ये वाला जो सेकेंड है ये कहाँ आ जाएगा अपॉन में ही आ जाएगा क्योंकि बीच में ये अपॉन लगा हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नीचे सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा या फिर इसको जो है फिर इस तरीके से लिख दिया जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसको बोला जाता है ठीक है तो आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो यूनिट हुई एक्सेलरेशन की वो क्या होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ओके तो इट्स एस आई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये कैसी क्वांटिटी कहलाएगी वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें जो वर्ड यूज़ हो रहा है वो है वेलोसिटी। एक्सेलरेशन वेलोसिटी पे डिपेंड करता है जिस तरीके से वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रही थी तो इसीलिए वेलोसिटी के फॉर्मूले में डिस्प्लेसमेंट आता था तो इसीलिए वेलोसिटी स्केलर क्वांटिटी थी उसी तरह से एक्सेलरेशन के फार्मूले में वेलोसिटी आती है और वेलोसिटी स्केलर क्वांटिटी है सो एक्सेलरेशन विल आल्सो बी अ स्केलर क्वांटिटी सॉरी वेक्टर क्वांटिटी ओके वेलोसिटी वेक्टर है तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर होगा तो आपको हर किसी में इतनी बातें जो मैंने पहले बताया था कि डेफिनीशन सिंबल फॉर्मूला यूनिट एंड वैक्टर और स्केलर ओके उसके बाद आते हैं नेक्स्ट हेडिंग पर दैट इज टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन के टाइप्स तो एक्सेलरेशन के जो है वो बहुत सारे टाइप्स हैं और यहाँ विद एग्जांपल्स मैंने आपको समझाए हैं बिकॉज देर शुड नॉट बी एनी डाउट ओके सो एक्सेलरेशन के टाइप्स में एक बार मैं रिकॉल कर देती हूँ कौन कौन से टाइप्स हैं तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है ज़ीरो एक्सेलरेशन एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वेरिएबल एक्सेलरेशन भी होता है तो सबसे पहले पॉजिटिव एक्सेलरेशन पर आते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन तो जिसमें भी वर्ड पॉजिटिव लगा होता है इसका मतलब आंसर जो है वो प्लस में आ रहा होगा तभी पॉजिटिव कहला रहा है तो एक बार हम देख लेते हैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको बताया था वो क्या था वी माइनस यू ओपन टी ओके तो मैंने आपसे कहा था कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही जैसे फिफ्टीन से ट्वेंटी हो गई तो ट्वेंटी बड़ा नंबर है फिफ्टीन छोटा है ट्वेंटी माइनस फिफ्टीन करेंगे कितना आंसर आएगा फ़ाइव और अपोन में टाइम तो जो भी आपका सॉल्यूशन आएगा वो प्लस में आएगा ओके जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्योंकि बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस करेंगे ट्वेंटी माइनस फिफ्टीन तो आंसर पॉजिटिव आएगा अगर इसका अपोजिट होता अपोजिट कैसे होता है जैसे बॉडी की वेलोसिटी पहले ज़्यादा थी पहले वो ट्वेंटी किलोमीटर पर आवर से चल रही थी बाद में फ़िफ्टीन हो गई तब उस कंडीशन में आप लिखते कि फ़ाइनल माइनस इनिशियल तब आपको ऐसे करना पड़ता फ़िफ्टीन माइनस ट्वेंटी तब आंसर कैसा आता माइनस में तो क्योंकि यहाँ आंसर आ रहा है प्लस में तो इसलिए एक्सेलरेशन का नाम क्या है पॉजिटिव एक्सेलरेशन और एक और याद रखने का तरीका है कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है इंक्रीज हो रही है तभी तो आप ऐसा कर रहे हैं पहले 15 थी बाद में 20 हो गई तभी तो आपने 20 माइनस फिफ्टीन किया तो अगर वेलोसिटी जो है दैट इज़ इंक्रीजिंग विद टाइम वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ इंक्रीज़ हो रही है तो एक्सेलरेशन कैसा कहलाता है पॉजिटिव तो वो यहाँ पर डेफिनेशन में लिखा भी है कि व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस विद टाइम इट्स एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव उसके बाद नेक्स्ट थिंग आती है ग्राफ हर किसी में आपको ग्राफ भी बनाना है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर आप बना रहे हैं तो हमेशा ये वाली एक्सेस टाइम कहलाती है और ये वाली एक्सेस जो है वो अदर नेम होगा चाहे वेलोसिटी हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो डिस्टेंस हो स्पीड हो एनी ओके okay? तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए भी ऐसा ही रहेगा तो ग्राफ इस तरीके से बनेगा स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होगा कि वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ इक्वली इंक्रीज हो रही है जैसे आपने एक बार यूनिफॉर्म uh, मोशन को एक्सप्लेन किया था ना कि इफ़ द डिस्टेंस इफ़ द बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम तो वहाँ पर डिस्टेंस टाइम के साथ इक्वली चेंज हो रही थी यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ इक्वली चेंज हो रही है जैसे अगर हम उसका डायग्राम बनाकर आपको दिखाएं सो दिस इज़ वेलोसिटी एंड दिस इज़ टाइम तो वेलोसिटी मान लीजिए पहले फिफ्टीन मीटर पर सेकेंड थी फर्स्ट आर में वन आर में फिर ट्वेंटी हो जाती है टू आर्स में उसके बाद हो जाती है ट्वेंटी फाइव थ्री आर्स में तो देख रहे हैं यहाँ फाइव फाइव का गैप चल रहा है यहाँ वन वन का चल रहा है तो अगर इक्वल रेशियो है वेलोसिटी टाइम के साथ इक्वली इंक्रीज हो रही है तो पॉजिटिव एक्सेलोरेशन कहलाता है और ग्राफ उसका कैसा होता है ग्राफ होता है उसका स्ट्रेट लाइन ओके लाइक दिस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में भी ऐसा ही बनेगा क्योंकि यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब क्या होता है कॉन्स्टेंट तो यानी कि अगर इक्वल इंक्रीज है तो भी हम उसको यूनिफॉर्म बोल सकते हैं ओके okay? अब आते हैं इसके एग्जाम्पल पर तो इसके एग्जाम्पल में जैसा कि यहाँ पर एक डायग्राम बना रखा है तो उसमें लिखा है कि अ बॉडी ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट गेंस वेलोसिटी एज एट फॉल्स डाउन टूवर्ड्स द अर्थ इट्स एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव तो आपको पता है कि अगर किसी बॉडी को हम इस तरह से रिलीज़ करते हैं ड्रॉप करने का मतलब कि किसी हाइट से आप किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ़ छोड़ देते हैं तो यहाँ एक बॉल ड्रॉप की गई है तो जैसे जैसे बॉल नीचे अर्थ की तरफ आती जाएगी तो वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी वेलोसिटी बढ़ती जाती है ऐसा क्यों होता है क्योंकि आपको पता है कि अर्थ जो है वो एक फोर्स से हर एक बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है सो दिस फिनोमिना यू विल स्टडी इन द चैप्टर कमिंग चैप्टर ग्रेविटेशन लेकिन आपने प्रीवियस किसी चैप्टर में किसी किसी क्लास में स्टडी किया होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है यानी कि अर्थ जो है वो हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करती है एक फोर्स से तो ये फोर्स जो है जैसे जैसे बॉडी नीचे जाती है उतना स्ट्रॉन्ग होता जाता है ये फोर्स ओके okay? तो इसीलिए क्या होता है कि बॉडी जब नीचे जाती है तो उसकी स्पीड या वेलोसिटी भी इंक्रीज होती जाती है इसी का अपोजिट फिनोमिना होता है कि अगर बॉडी को ऊपर की तरफ़ थ्रो किया जाए तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी डिक्रीज़ क्योंकि नीचे जाने से इंक्रीज हो रही है तो इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं आपने देखा होगा कि बॉडी जैसे जैसे ऊपर जा रही है तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाने के बाद में फिर वो नीचे आना स्टार्ट कर देती है ऐसा नहीं है कि वो बस ऊपर ही जाती रहेगी तो ऐसा क्यों होता है क्योंकि बॉडी एक मैक्सिमम हाइट पर जब पहुंच जाएगी तो उसकी जो वेलोसिटी है वो पूरी तरह से ज़ीरो हो जाती है ऊपर जाने से वेलोसिटी घटती जा रही है और एक पॉइंट पे पहुंचने के बाद ज़ीरो हो जाती है तब बॉडी दोबारा से अर्थ के फोर्स के अंडर नीचे आना स्टार्ट करती है तो इसका मतलब कि बॉडी अगर ड्रॉप की जाती है रिलीज़ की जाती है किसी हाइट से तो वो जैसे जैसे नीचे जाएगी तो उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज़ होती जाएगी तो ये आपका एग्जाम्पल किसका है पॉजिटिव एक्सेलरेशन का है ओके सो अगेन आई एम रिपीटिंग अ बॉडी ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट गेंस वेलोसिटी एज इट फॉल्स डाउन टूवर्ड्स द अर्थ इट्स एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव ओके देन वील स्टार्ट द नेक्स्ट हैडिंग जो इसका जस्ट अपोजिट है नेगेटिव एक्सेलरेशन या उसका अदर नेम होता है रिटार्डेशन